गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे रेडी किस लिए हुए हैं हम लोग, और आज तो सब लोग येलो है, दिखाओ। आद्विक भी, ये भी, सब येलो है। और हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं गणपति बापा के दर्शन करने। यहाँ पर ही पंडाल है गणपति बापा का, है ना। और मेरा इतने दिनों से जाना ही नहीं हुआ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मतलब पास में ही है बट मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ घर के, और वो संभालना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से अभी जा रही हूँ। और वहां पर आज क्या है, प्रसाद है, भंडारा। हाँ भंडारा, वही प्रसाद आज महाप्रसाद है, तो इसी वजह से महाप्रसाद लेना भी हो जाएगा, और हम लोग अभिषेक भी करेंगे वहां पे, और उसके बाद क्या है दर्शन भी हो जाएगा। दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, अभिषेक करेंगे, सब कुछ होगा। चलो फिर शक्ति बुद्धि मांगेंगे ताकि सबकी तबीयत वगैरह सब ठीक रहे। तो चले गाइस अभी जाती हूँ वहां पे और जल्दी से जाके आते हूँ। क्या है, अरे वो वहां पर क्या खेलने के लिए जा रहे हो क्या आप? चलो रखो रखो जल्दी से, मतलब येलो येलो है ना सब। हाँ तो इसी वजह से, तो चलो अभी निकलते हैं गाइस और मिलती हूँ वहां पर जाने के बाद। आपको भी दर्शन करवा दूंगी भगवान जी के, आप भी दर्शन कर लेना। और रोड ब्लॉक किया हुआ है तो इसी वजह से आप एक्यूप्रेशर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्यूप्रेशर अधिक ज्यादा ही कर रहा है। अधिक पर ही चार्ज इसीलिए। चलो तो गाइस पहुंच गए हम लोग मंदिर में, और आप भी दर्शन कर लीजिए चिंतामणि गणेश जी का। और यहाँ पर ये मंदिर अभी तक बना नहीं है, अभी बनने वाला है, तो अभी ऐसे ही पंडाल डाला हुआ है बस, उसके बाद मंदिर बनेगा। और यहाँ पर महाप्रसाद था आज, तो सभी लोगों की भीड़ थी यहाँ पे। देखो सभी लोग दर्शन करने के लिए आए थे, और हम लोगों का भी दर्शन बाकी था, तो हम लोग सिर्फ खड़े थे वहाँ पे, क्योंकि स्टेज पर कुछ तो भी चल रहा था, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े रहे थोड़ी देर, और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन वगैरह लिए। और आप भीड़ देख सकते हो, और यहाँ पर जैसे ही मैंने एंट्री की ना, इतने दिनों से नहीं आई थी मैं, और आज जैसे ही एंट्री की अंदर इतनी पॉजिटिविटी आपको क्या बताऊँ। जैसे ही मैंने एंट्री की ना, इनको बोला कि यार कितना पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे मुझे। ये मेरे पड़ोस की दीदी है, उन्हें भी मैं वही बता रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो वो बोले कि अभी तो इस साल का तो टाइम निकल गया है, अगले साल से आप आया करो यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको भी। तो मैंने सोचा चलो अभी ये साल तो ऐसे ही चला गया, अगले साल से आऊँगी यहाँ पे, और आप भी देख लेना, यहाँ के व्लॉग्स आपको भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर बस दर्शन कर रहा है, दर्शन करके फिर महाप्रसाद लेंगे। आ गया घर पे, और मैं आपको मेस दिखाती हूँ। मेस नहीं है वो, एक्चुअली मैंने अपना जो वार्डरोब है वो खाली किया है। यहाँ पे देखो, ये देखो, अरे यार ओपन नहीं हो रहा, पूरा खाली किया है। किसके चक्कर में वो आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, उसके चक्कर में ये पूरा वार्डरोब खाली किया है। और ये देखो, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, वार्डरोब में से इतना सारा ढेर निकला है कपड़ों का, और कुछ माही ने ले लिया मेरा, मतलब जो पहले का था वो पूरा पूरा का पूरा एक गट्ठा माही ने ले लिया उसमें से, क्योंकि माही को अभी वो अच्छे से आ रहा है टॉप सारे, तो इसी वजह से वो ले लिए माही ने। और ये देखो पूरा, यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अभी इसे फोल्ड कब करूँगी मैं। ये देखो सारे मेरे टॉप, कुर्ती, साड़ी सारे इधर ही है, और इतना टेंशन आ गया है मुझे इसे फोल्ड करने का अभी। चलो इस बहाने फोल्ड तो भी हो जाएंगे ये सारे के सारे चीज़ें, मतलब फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड तो थे ही, बट अच्छे से अभी उस वार्डरोब में, ऊपर वाले वार्डरोब में रखूँगी या इसी वार्डरोब में रखूँगी पता नहीं, बट अच्छे से रखूँगी अभी जमा के। और जो पहले भी अच्छे से ही थे यार, उस चक्कर में जो मुझे चीज़ मिल नहीं रही थी, उस चक्कर में मैंने सारा का सारा इधर निकाल के रख दिया।
तो चलो अभी कोई बात नहीं, ये सारा अच्छे से फोल्ड करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने वार्डरोब सेट किया। यहाँ पर सारे कपड़े पड़े थे और समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े कहाँ पे रखूँ, क्योंकि मैस इतना ज़्यादा बड़ा था और कोई इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर सारे अलग अलग रखने थे मुझे, और सारे पहले भी अलग अलग थे, बट पता नहीं क्यों मैंने, मेरे दिमाग में आया और मैंने सारा निकाल दिया यार, और टेंशन आ गया था मुझे अभी ये कैसे करूँ क्या करूँ, बट माही हेल्प कर रही थी, माही की हेल्प से मैंने ये फाइनली कर दिया। और यहाँ पर कुर्तीज़ फोल्ड करके रखी है मैंने, अपनी साड़ीज़ फ़ोल्ड करनी है, साड़ी भी साइड में फ़ोल्ड करके रखी है सारी, और एक एक जगह पे एक एक चीज़ें रखनी है सारी अच्छे से। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ें जो नहीं पहननी है वो निकाल रही थी और डाल दे रही थी, जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है वो भी रख रही थी साइड में। और यहाँ पर ये मुझे लगा कि नीचे ही रहना चाहिए, इसी वार्डरोब में रहना चाहिए मेरे ये वाले कपड़े जो मैंने नीचे ही रखे थे, क्योंकि बार बार ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है फिर, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ही सेट कर दिया। आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे कैसे सेट हुआ है। अभी यहाँ पर देखो इतना सामान बचा है सिर्फ, और मतलब उधर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर वार्डरोब देखो ऐसे सेट हो गया है। मैंने जो ज़्यादा घेर वाले है वो साइड में रखे, जो स्ट्रेट वाले कुर्तीज़ है वो साइड में रखी, जो जीन्स वगैरह है बॉटम वेयर है वो मैंने एक साइड में रखे, उसके बाद साड़ीज़ एक सेक्शन में रखी। तो ऐसे करके मैंने अपना वार्डरोब सेट कर दिया है और वार्डरोब सेट हो गया है मेरा। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, हो सकता है किसी के लिए स्पेशल ना हो, बट हम महाराष्ट्रन डेली नहीं खाते ना, तो इस वजह से हमारे लिए तो स्पेशल ही है। तो आज मैं बताने वाली हूँ राजमा चावल, और राजमा चावल की रेसिपी आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, बट उससे पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने बोला था ना कि दी आप कुकवेयर चेंज करो, कुकवेयर चेंज करो, एक्चुअली मैं नॉनस्टिक कुकवेयर यूज कर रही थी इससे पहले, और उसकी ना कोटिंग खराब होती थी, मतलब हमेशा हमेशा मुझे चेंज करने पड़ते थे उसका, कभी हैंडल टूट गया, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया। तो हैंडल टूटा था उस दिन, तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि दी आप कढ़ाई तो चेंज करो, कढ़ाई तो चेंज करो। तो मैंने सोचा चलो अगर मैं कढ़ाई चेंज कर ही रही हूँ तो मेरे जो नानी ने बोला था वो क्यों ना लूँ, तो इसी वजह से मैंने कढ़ाई तवा सब कुछ चेंज कर दिया है, और मैंने लिया है कास्ट आयरन की कढ़ाई, कास्ट आयरन का तवा और कास्ट आयरन का फ्राई पैन। ये देखो सब कुछ कास्ट आयरन का, क्यों कास्ट आयरन का ही लिया वो भी आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने अगर मुझे पहले से फॉलो किया है तो आपको पता ही होगा मुझे फैंसी चीजें, मतलब फैंसी जो सब्जियां है वो बनानी आती है, बट मुझे जो देसी सब्जियां है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बट मुझे बनानी नहीं आती। तो इसी वजह से मैं ना अपनी मम्मी को कॉल करती थी, नानी को कॉल करती थी, तो नानी मुझे रेसिपी बता देती थी, मम्मी मुझे रेसिपी बता देती थी, बट वो टेस्ट नहीं आता था जो नानी के हाथों से आता है। तो मैं सोचती थी कि यार मैं क्या करूं। अभी इस बार मैं गई थी ना मायके, तो मैंने अपनी नानी से एक रेसिपी मांगी और नानी ने रेसिपी बताई भी, और मैंने बोला कि मैं तो सेम रेसिपी से बनाती हूँ, आपने पिछली बार भी यही रेसिपी बताई थी, बट मेरे हाथों से टेस्ट क्यों नहीं आता है। तो नानी बोली कि आप जो कुकवेयर यूज करते हो ना वो आप गलत यूज करते हो, मतलब आपके जो नॉनस्टिक कुकवेयर में हमारे हाथों से बने हुए टेस्ट कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग कास्ट आयरन की चीजें यूज करते हैं और आप नॉनस्टिक की चीजें यूज करते हो, तो इसी वजह से नॉनस्टिक के कुकवेयर में वो स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि कास्ट आयरन के मैं कुकवेयर ऑर्डर करूंगी, बट मैं ऑर्डर करनी वाली थी उससे पहले, आप लोगों ने दो तीन वीडियो में बोल दिया कि दी आप कढ़ाई चेंज करो, कढ़ाई चेंज करो, तो वो दिल पे लग गया, तो मैंने सोचा चलो मैं ऑर्डर कर देती हूँ, और उसी टाइम मैंने बैठ के ऑर्डर कर दिया और फाइनली मुझे ये रिसीव हो गया है, कास्ट आयरन की कढ़ाई, कास्ट आयरन का तवा और कास्ट आयरन का फ्राई पैन। अभी मेरी सारी जो कुकिंग होगी वो इसमें ही होगी। ये जो कुकवेयर है मैंने ऑर्डर किया है इंदौस वैली के, मतलब इंदौस वैली ब्रांड से, और बहुत ज्यादा अच्छे लगे, इसके मैंने रिव्यू पढ़े थे बहुत ज्यादा अच्छे थे, और काफी लोग यूज भी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे बताया था, जैसे कि मेरी भाभी जो प्रेग्नेंट है अभी कल्याणी, तो उसको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था जो अपने नॉनस्टिक के बर्तन है उसमें का खाना खाने के लिए, उन्होंने उसको सजेस्ट किया था कि आप कास्ट आयरन की चीजों में खाना बना के खाओ, क्योंकि उसको आयरन की कमी हो रही थी। तो उसने भी पुनः में यही ब्रांड के कुकवेयर मंगाए थे, और उसने ही मुझे सजेस्ट किया कि दी आप भी इसी ब्रांड के कुकवेयर मंगाओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा चलो फाइनली मुझे लेना ही है, तो क्यों ना यूज किए हुए किसी का एक्सपीरियंस है अच्छा, तो वही मंगा लूं। तो इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें मंगा ली गाइस, और अभी मैं जो भी कुकिंग करूंगी वो इसमें करूंगी। और इसका फायदा ये होता है कास्ट आयरन का कि इसमें जो भी चीजें आप बनाते हो ना तो वो काफी देर तक गर्म रहती है, थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है बट जल्दी ही खाना बन जाता है,
और आपका जो केमिकल का डर है, मतलब जैसे कि आप नॉनस्टिक कुकवेयर में कुछ चीजें बनाते हो और आपको लगता है कि आपके पेट में केमिकल जा रहा है, वो डर भी आपका निकल जाएगा। कास्ट आयरन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, और फैमिली की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अभी ये कास्ट आयरन की चीजें मंगाई है। ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगी गाइस, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अभी ये चीजें ले ली, जैसे कि नॉनस्टिक का होता है, उसका नॉनस्टिक निकल जाने के बाद आपको यूज करने में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, मतलब आप वो यूज ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि मैं नॉनस्टिक जाने का डर है वो भी नहीं रहेगा इससे, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन की चीजें सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं और इसे यूज करना भी बहुत ज्यादा आसान है गाइस। इसे आप एक बार यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा, और इसे वॉश करके रखना भी बहुत ज्यादा इजी है। आप जैसे आप स्पॉन्ज यूज करते हो, उस स्पॉन्ज से आप वॉश कर लो, उसके बाद इन कुकवेयर को थोड़ा सा ऑयल लगा दो, उसके बाद आपको क्या करना है टिश्यू से वो सारा ऑयल पोंछ लेना है और उसके बाद आपको रख देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो कुकवेयर है वो जनरेशन टू जनरेशन चलेगी। आपको इन कुकवेयर को एक बार ले लेते हो ना तो आपकी आगे की जनरेशन इसे यूज करेगी, इतने अच्छे है। तो इसी वजह से अभी मैं जो भी खाना बनाने वाली हूँ, मतलब अभी मैं बनाने वाली हूँ राजमा, तो वो इसी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। अभी रोटियां आगे की और जो भी जैसे फ्राई पैन में कुछ बनता है तो वो मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी। फ्राई पैन भी देख लो इसका कितना अच्छा, डायमीटर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और पकड़ने के लिए भी है, तो आप इजीली से पकड़ भी सकते हो, थोड़ा सा कपड़े से पकड़ना पड़ेगा नहीं तो फिर हाथ जलने का डर रहता है। और ये बहुत देर तक गर्म रहता है, मतलब आपका खाना इसमें अगर बनाओगे ना बहुत देर तक गर्म रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो तवा है वो भी आप देख लो, तवा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें ही अब रोटियां बनेगी आज के बाद। और हाँ गाइस, ये अगर कुकवेयर आपको परचेस करना है ना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इनका, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे कंचन 15 तो आपको 15% ऑफ भी मिल जाएगा इन सारे प्रोडक्ट्स पे, तो लिंक पे क्लिक करके इन सारे प्रोडक्ट्स को आप परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर नहीं पता है आपको तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से राजमा चावल बनाती हूँ और उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं बॉइल हो रहे हैं और अभी आपको मिलाती हूँ वैभव से, वैभव भी आया है, रुको मैं आपको मिलाती हूँ। और हाँ, बारिश भी हो रही है यार, इतनी तेज बारिश हो रही है अभी, एक मिनट देखो वैभव, थामा मिनट वाला वैभव वाला बैठू देना, हाँ वैभव हाय कर, हाँ वैभव भी आया है आज, और वैभव के लिए ही राजमा चावल बनने वाले हैं आज स्पेशल, साले की डिमांड पे, साले की, ये साले की डिमांड पे, गाली भी दे रही है और बात ये हाँ तारीफ, हाँ तारीफ भी कर रही हूँ और क्या, साले की डिमांड पे अभी आज राजमा चावल बनने वाला है और वो भी बहुत ही बढ़िया वाला नए कुकवेयर में। चलो फिर, चलो चलो, अरे यार मेरी हेल्प तो करो, चलो ना चलो, क्या हेल्प करनी है, सब कुछ बना लिया मैंने, चलो आप टाट निकालो और हम वो लगाते पीछे पीछे होते हैं, चलो फिर। और हाँ, बारिश भी हो रही है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बारिश भी हो रही है, इससे भी ज्यादा तेज हो रही थी और गणपति उठ रहा है तो इसी वजह से देखो ढोल ताशो का आवाज आ रहा होगा। यहाँ पर तो भी इतना नहीं आ रहा है, बट ये उधर से आया ना वैभव के लेके, तो बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा तेज तेज आवाज आ रहा है वहां पे। तो यहाँ पर राजमा बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और बस गर्म होने दिया है कढ़ाई को, और उसके बाद मैंने जीरा डाला है उसमें, उसके बाद प्याज डाला है, और प्याज को ज़्यादा नहीं लंबा लंबा ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाली है दो, उसके बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, और ये मसाला ही भुनना है हमें पहले, और मसाला भुन के उसे पीस लेना है, जैसे मैंने उस टाइम नहीं बताया था आपको क्या बोलते हैं, तो जब मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी उस टाइप से ही ये मसाला भून लेना है आपको अच्छे से। ये मसाला भून जाने के बाद इसे पीस लेना है थोड़ा सा ठंडा करके, इसमें टोमेटो भी डलेगा, अभी टोमेटो ऐड कर दूंगी, और वो भी लंबे लंबे टुकड़ों में ही काटा है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा टोमेटो गल जाए और अच्छे से मसाला भून जाए। इस मसाले को हम लोग पीस लेंगे और उसके बाद उसकी ग्रेवी बनेगी,
बस अभी थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख के पका लूँगी। और अभी यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है दोबारा से उसी कढ़ाई में, और उसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और सारे जो मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी और धनिया पाउडर ये, और उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है। और इसे अच्छे से भून लूँगी तेल छोड़ने तक। जब तक आपका मसाला ऑयल नहीं छोड़ता है ना, तब तक आपको भूनते जाना है। और उसके बाद आपको उसमें राजमा ऐड करना है। तो यहाँ पर राजमा मैंने बॉईल कर लिया था, उसमें तेज पत्ती, थोड़ी सी छोटे छोटे दो टुकड़े दालचीनी के, और ये ऐड कर दिए थे, थोड़े से लौंग भी, और उसे बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मसाला रेडी हो गया है और इसमें अपना राजमा ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। और जैसे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे आप रखना, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, जितना आपको पानी चाहिए उतना ऐड कर देना। मैं तो थोड़ा सा गाढ़ा ही रखती हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और थोड़ी देर पकने दूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो पूरा उसमें आ जाए और अच्छे से आपका राजमा बने। आप चाहो तो उसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हो ऊपर से, नहीं तो ऐसे ही रहने दे सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, मैंने तो दोनों भी बनाए थे तो इसी वजह से दोनों के साथ भी हम लोग खाएंगे। और आपकी कैसी रेसिपी है, ऐसी ही है कि या थोड़ी सी डिफरेंट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यहाँ पर धनिया पत्ता काट के डाल दूँगी इसमें और बस हमारा राजमा रेडी है। तो गाइस चलिए, बन गया है हमारा राजमा और चावल भी बन रहा है, तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद खाना खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्मेल अच्छी आ रही है ना, स्मेल तो बहुत बढ़िया आ रही है, तो टेस्ट भी उतनी ही बढ़िया होगी। चलो अभी खाना खा लेते हैं, ठीक है, चलो ना। एक मिनट दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। अरे कितनी बार धनिया पत्ता डालोगे? मैंने इससे पहले भी धनिया पत्ता डाला था, ये धनिया पत्ता लवर है, बहुत ज्यादा धनिया पत्ता चाहिए इन्हें। तो चलिए गाइस, खाना हो गया है, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं गपशप मारते हुए और फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज़।